नंदीश्वर के जन्म, वर प्राप्ति, अभिषेक और विवाह का वर्णन। नंदकेश्वर कहते हैं, मुने वन में जाकर मैंने एकांत स्थान में अपना आसन लगाया और उत्तम बुद्धि का आश्रय ले मैं उग्र तप में प्रवृत्त हुआ, जो बड़े बड़े मुनियों के लिए भी दुष्कर था। उस समय मैं नदी के पावन उत्तर तट पर सुदृढ़ रूप से ध्यान लगाकर बैठ गया और एकाग्र तथा समाहित मन से अपने हृदय कमल के मध्य भाग में 3 नेत्र 10 भुजा तथा 5 मुख वाले शांति स्वरूप देवाधिदेव सदाशिव का ध्यान करके रुद्र मंत्र का जाप करने लगा। तब उस जप में मुझे तल्लीन देखकर चंद्रभूषण परमेश्वर महादेव प्रसन्न हो गए और उमा सहित वहां पधार कर प्रेम पूर्वक बोले, शिलाद नंदन, तुमने बड़ा उत्तम तप किया है। तुम्हारी इस तपस्या से संतुष्ट होकर मैं तुम्हें वर देने के लिए आया हूँ। तुम्हारे मन में जो अभीष्ट हो वह मांग लो। महादेव जी के यूं कहने पर मैं सिर के बल उनके चरणों में लौट गया और फिर बुढ़ापा तथा शोक का विनाश करने वाले परमेश्वर की स्तुति करने लगा। तब परम कष्टहारी वृषभ ध्वज परमेश्वर शंभु ने मुझ परम भक्ति संपन्न नंदी को, जिसके नेत्रों में आंसू छलकाए थे और जो सिर के बल चरणों में पड़ा था, अपने दोनों हाथों से पकड़कर उठा लिया और शरीर पर हाथ फिरने लगे। फिर वे जगदीश्वर गणा अध्यक्षों तथा हिमाचल कुमारी पार्वती देवी की ओर दृष्टिपात करके मुझे कृपा दृष्टि से देखते हुए यूं कहने लगे, वत्स नंदी, उन दोनों विप्रों को तो मैंने ही भेजा था। महाप्राज्ञ, तुम्हें मृत्यु का भय कहाँ? तुम तो मेरे ही समान हो, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। तुम अमर, अजय, दुख रहित, अपव्यय और अक्षय होकर सदा गणनायक बने रहोगे तथा पिता और सुहृद वर्ग सहित मेरे प्रियजन होगे। तुम में मेरे ही समान बल होगा। तुम नित्य मेरे पार्श्व भाग में स्थित रहोगे और तुम पर निरंतर मेरा प्रेम बना रहेगा। मेरी कृपा से जन्म, जरा और मृत्यु तुम पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकेंगे। नंदीश्वर कहते हैं, मुने, यूं कहकर कृपा सागर शंभु ने कमलों की बनी हुई अपने शिरोमाला को उतार कर तुरंत ही मेरे गले में डाल दिया। विपवर, उस समय माला के गले में पड़ते ही मैं 3 नेत्र और 10 भुजाओं से संपन्न हो गया तथा शंकर सा प्रतीत होने लगा। तदनंतर परमेश्वर शिव ने मेरा हाथ पकड़कर पूछा, बताओ अब तुम्हें कौन सा उत्तम वर दूं? फिर उन वृषभ ध्वज ने अपनी जटा में स्थित हार के समान निर्मल जल को हाथ में ले, तुम नदी हो जाओ, यूं कहकर उसे छोड़ दिया। तब वह जल उत्तम ढंग से बहने वाली स्वच्छ जल से परिपूर्ण महान वेगशालिनी दिव्य रूपा 5 सुंदर नदियों के रूप में परिवर्तित हो गई। उनके नाम है जटोदका, त्रिस्त्रोता, वृषध्वनि, सरणोदका और जम्बू नदी। मुने, यह पंचनद शिव के पृष्ठ भाग की भांति परम शुभ है। महेश्वर के निकट इसका नाम लेने से यह परम पावन हो जाता है। जो मनुष्य पंचनद पर जाकर स्नान और जप करके परमेश्वर शिव का पूजन करता है वह शिव सायुज को प्राप्त होता है, इसमें संशय नहीं है। तत्पश्चात शंभु ने उमा से कहा, अव्यव्य, मैं नंदी का अभिषेक करके इसे गणा अध्यक्ष बनाना चाहता हूँ, इस विषय में तुम्हारी क्या राय है? तब उमा देवी बोली, देवेश, आप नंदी को गणा अध्यक्ष पद प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर यह शिलाद नंदन मेरे लिए पुत्र सरीखा है, इसलिए नाथ यह मुझे बहुत ही प्यारा है। तदनंतर भक्त वत्सल भगवान शंकर ने अपने अतुल बलशाली गणों को बुलाकर उनसे कहा, गणनायको, तुम सब लोग मेरी एक आज्ञा का पालन करो। यह मेरा प्रिय पुत्र नंदीश्वर सभी गणनायकों का अध्यक्ष और गणों का नेता है, इसलिए तुम सब लोग मिलकर इसका मेरे गणों के अधिपति पद पर प्रेम पूर्वक अभिषेक करो। आज से यह नंदीश्वर तुम लोगों का स्वामी होगा। नंदीश्वर कहते हैं, मुने, शंकर जी के इस कथन पर सभी गणनायकों ने एवमस्तु कहकर उसे स्वीकार किया और
वे सामग्री जुटाने में लग गए। फिर सब देवताओं और मुनियों ने मिलकर मेरा अभिषेक किया। तदनंतर मरुतों की मनोहारिणी दिव्य कन्या सुयशा से मेरा विवाह करवा दिया। उस समय मुझे बहुत से दिव्य वस्तुएं मिली। महामुनि, इस प्रकार विवाह करके मैंने अपनी उस पत्नी के साथ शंभु, शिवा, ब्रह्मा और श्री हरि के चरणों में प्रणाम किया। तब त्रिलोकेश्वर भक्त वत्सल भगवान शिव पत्नी सहित मुझसे प्रेम पूर्वक बोले। ईश्वर ने कहा, सतपुत्र, यह तुम्हारी प्रिया सुयशा और तुम मेरी बात सुनो। तुम मुझे परम प्रिय हो, अतः मैं स्नेह पूर्वक तुम्हें मनोवांछित वर प्रदान करूंगा। गणेश्वर, नंदीश, देवी पार्वती सहित मैं तुम पर सदा संतुष्ट हूँ, इसलिए वत्स, तुम मेरा उत्तम वचन श्रवण करो। तुम मेरे अटूट प्रेमी, विशिष्ट, परम ऐश्वर्य संपन्न, महायोगी, महान धनुर्धारी, अजय, सबको जीतने वाले महाबली और सदा पूज्य होगे। जहाँ मैं रहूँगा वहाँ तुम्हारी स्थिति होगी, और जहाँ तुम रहोगे वहाँ मैं उपस्थित रहूँगा। यही दशा तुम्हारे पिता और पितामह की भी होगी। पुत्र, तुम्हारे ये महाबली पिता परम ऐश्वर्यशाली मेरे भक्त और गणाध्यक्ष होंगे। वत्स, यही नियम तुम्हारे पितामह पर भी लागू होंगे। अंत में तुम सब लोग मुझसे वरदान प्राप्त करके मेरा सानिध्य प्राप्त करोगे। नंदीश्वर कहते हैं, मुने, तत्पश्चात महाभागा उमा देवी वर देने के लिए उत्सुक हो मुझ नंदी से बोली, बेटा, तू मुझसे भी वर मांग ले, मैं तेरी सारी अभीष्ट कामनाओं को पूर्ण कर दूंगी। तब देवी के उस वचन को सुनकर मैंने हाथ जोड़कर कहा, देवी, आपके चरणों में मेरी सदा उत्तम भक्ति बनी रहे। मेरी याचना सुनकर देवी ने कहा, एवमस्तु, ऐसा ही होगा। फिर शिवा नंदी की प्रियतमा पत्नी सुयशा से बोली, वत्से, तुम भी अपना अभीष्ट वर ग्रहण करो। तुम्हारे 3 नेत्र होंगे, तुम जन्म बंधन से छूट जाओगी और पुत्र पोत्रों से संपन्न रहोगी, तथा तुम्हारी मुझ में और अपने स्वामी में अटल भक्ति बनी रहेगी। नंदीश्वर कहते हैं, मुने, तदनंतर शिव जी की आज्ञा से परम प्रसन्न हुए ब्रह्मा, विष्णु और समस्त देव गणों ने भी प्रेम पूर्वक हम दोनों को वरदान दिए। तत्पश्चात परमेश्वर शिव कुटुंब सहित मुझे अपनाकर तथा उमा सहित वृक्ष पर आरूढ़ होकर संबंधियों एवं बांधवों के साथ अपने निवास स्थान को चले गए। तब वहां उपस्थित विष्णु आदि समस्त देवता मेरी प्रशंसा तथा शिव शिवा की स्तुति करते हुए अपने अपने धाम को चल दिए। वत्स, इस प्रकार मैंने तुमसे अपने अवतार का वर्णन कर दिया। महामुनि, यह मनुष्यों के लिए सदा आनंददायक और शिव भक्ति का वर्धक है। जो श्रद्धालु मानव भक्ति भावित चित से मुझ नंदी के इस जन्म वर प्राप्ति, अभिषेक और विवाह के वृतांत को सुनेगा अथवा दूसरों को सुनाएगा तथा पढ़ेगा या दूसरों को पढ़ाएगा, वह इस लोक में संपूर्ण सुखों को भोग कर अंत में परम गति को प्राप्त होगा।